जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, भारतीय रसोई में कई ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका अलौकिक महत्व है। ऐसी चीज़ों में अलौकिक शक्तियां निहित हैं और जब व्यक्ति जाने अनजाने भी ऐसी चीज़ों को ग्रहण कराना प्रारंभ कर देता है, रोज बरोज के अपने खाने में प्रारंभ कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति का नसीब परिवर्तित हो जाता है, भाग्य बदल जाता है। ऐसी ही एक चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि इस चीज़ को आप नित्य रात्रि को ग्रहण करते हैं, सिर्फ मुख में भी यदि आप इस चीज़ को रखते हैं, तो आपका भाग्य बदल जाएगा। ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये कई ग्रहों का प्रतिनिधित्व करती हैं, और जब आप इन चीज़ों को ग्रहण करते हैं तो इससे होता क्या है कि आपका वो जो ग्रह है वो धीरे धीरे मजबूत होने लग जाता है। और जब ऐसा ग्रह आपका मजबूत हो जाता है और इसका प्रभाव जब आपको दिखने लगता है, तो इसके प्रभाव से आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लग जाते हैं। आपके रुके हुए काम बनने लग जाते हैं, नौकरी व्यापार आपके शुरू हो जाते हैं, पैसा आना प्रारंभ हो जाता है। यदि घर में बीमारी है, कलेश है, तो वो एक के बाद एक जाने लग जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ग्रहों का जो फल होता है ये काफ़ी सुखद होता है, तो इनके आने से जितनी भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो एक एक करके आपका घर जो है वो छोड़ देती हैं, और ये पॉजिटिव चीज़ें उन नेगेटिव चीज़ों का स्थान ले लेती हैं। तो ऐसी ही एक चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि नित्य एवरीडे रात को यदि आप इस चीज़ को ग्रहण करते हैं तो आपका भाग्य परिवर्तित हो जाएगा। तो दोस्तों, संपूर्ण उपाय बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुँचेंगे और तेज़ी से पहुँचेंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ उस चीज़ के बारे में कि जिस चीज़ को आपको नित्य रात्रि को ग्रहण करना चाहिए। यदि नहीं कर सकते हैं तो कुछ देर के लिए आपके मुख में रखना चाहिए। यदि इस चीज़ को आप थोड़ी देर अपने मुंह में भी रखते हैं तो यह चीज़ आपको चमत्कारिक परिणाम दिखाएगी और कुछ ही दिनों में आपके दिन परिवर्तित हो जाएंगे। जो दुख भरे दिन आपके हैं वो सारे ही बीत जाएंगे और आपकी दुनिया, आपके जीवन में खुशियाँ लहराने लग जाएंगी। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है इलायची है। इलायची को मत मतांतर से शुक्र का प्रतिनिधित्व करने वाला चीज़ भी बताया गया है। तो इससे क्या होता है कि जब आप इसको लेते हैं, इसे ग्रहण करते हैं, तो आपका शुक्र मजबूत होता है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि जो शुक्र ग्रह है वो भौतिक सुखों का प्रदाता है, तो जब आपका शुक्र मजबूत होगा तो आपको एक के बाद एक भौतिक सुख मिलना प्रारंभ होंगे। और जब आपको भौतिक सुख मिलना प्रारंभ होंगे तो आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, दुख हैं, गरीबी हैं, कष्ट हैं, ये सारी एक एक करके आपके जीवन से जाने लग जाएंगी। अब मैं बताता हूं कि आपको इसको किस तरह से लेना है। आपको क्या करना है कि इसको ग्रहण करने के तकरीबन एक सवा घंटे पहले आप क्या करें कि मिश्री का मीठा आप पानी बना लें, थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें मिश्री का ढेला डाल दें और उसके अंदर आप इस इलायची को डाल दें, एक इलायची को आप डाल दें। इसके बाद रात्रि को जब आप खाना वाना खा लेते हैं, इसके बाद आप क्या करें कि जब आपको दूसरा कुछ भी खाना ग्रहण करना नहीं हो, भोजन करना ना हो, तब आपको इस क्रिया को करनी है कि ये जो इलायची है इसको आप लेकर के अपने मुख में रख लें, क्योंकि जो मिश्री है वो भी शुक्र का प्रतीक माना जाता है और इससे भी आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। इसको आप कुछ देर के लिए अपने मुंह में रखें। जब आप इसको अपने मुख में रखेंगे तो ये आपके क्या है कि इसका जो रस होता है ये आपके ब्लड में जाता है और आपके ब्लड से शुक्र मजबूत होता है, और ये आपको दिखाई देगा आपके कर्मों में। जब आप इसके बाद में कार्य करेंगे तो आपको एक के बाद एक के बाद एक अच्छे काम मिलने लग जाएंगे। आपका यदि नौकरी करते हैं तो अच्छी अच्छी आपको नौकरियाँ लगने लग जाएंगी। नित्य आपको यह क्रिया करनी है। रात्रि को खाने के बाद सोने से पहले आप एक इलायची मिश्री वाले पानी में मिला करके आप उसको खा लें। ये जो मिश्री का ढेला है, पानी है,
लोग ऐसे सवाल करते हैं छोटे छोटे, इसका कोई महत्व नहीं है, इसको आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मुख्य चीज़ है इलायची, इलायची आपको नित्य रात्रि को ग्रहण करनी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए देव प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।